डुमराव थाना क्षेत्र के खिरौली गांव के स्थानीय निवासियों ने एक शिक्षक पर गंभीर आरोप लगाकर उसके साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया है। साथ ही मामले को लेकर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। वहीं नाराज अभिभावकों ने मध्य विद्यालय में तालाबंदी कर और प्रशासन के विरुद्ध नारेबाजी की। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह समझा बुझाकर लोगों को शांत कराया। मामले को लेकर बक्सर के चाइल्ड वेलफेयर कमेटी भी मामले की जांच करने में जुटी, जिसमें कमेटी के अध्यक्ष मदन सिंह, सदस्य डॉक्टर शशांक शेखर, नवीन पाठक तथा योगिता सिंह शामिल रहे। दरअसल खिरौली मध्य विद्यालय के एक शिक्षक के आचरण पर स्थानीय लोगों ने सवाल उठाए थे और उनके साथ मारपीट की थी। बाद में मामले को लेकर थाने में प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई, लेकिन पुलिस के द्वारा शिक्षक के गिरफ्तारी नहीं होने के कारण लोगों का आक्रोश उबल पड़ा और लोग तालाबंदी के लिए मध्य विद्यालय पहुंच गए और विद्यालय में ताला बंद कर हल्ला हंगामा करने लगे। अभिभावकों का कहना था कि शिक्षक के द्वारा न सिर्फ बच्चों के साथ मारपीट की जाती थी बल्कि उनके साथ गलत व्यवहार भी किया जाता था। मामले में थाना अध्यक्ष ने बताया कि प्राप्त आवेदन के आलोक में प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है। पहले तो कल का घटना हुआ है, सब बच्चों को पता चला कि हमारे गांव के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको पहला क्लास में जो मास्टर हैं जो पढ़ाते हैं वो कपड़ा खुलवा देते हैं बच्चों को और बोलते हैं कि नाचने के लिए, और उसके बाद भी लोग बच्चे नहीं नाचते हैं, उसको मारते भी हैं। और बेरहमी से एक बच्चा को मारे हुए हैं, वो बच्चा अपने घर पर जाकर बोला कि माई बाबू अच्छा संवाद भी हुआ मास्टर साहब का मरले बनी, सब आकर कल आए हुए लोग सब आए गांव के लोग और उनको पूछा गया और दो चार तबड़ा मारा भी गया, आज नहीं आए हैं, पब्लिक आया है नहीं आए हैं। आज हम लोग धरना पर हैं, खिरौली स्कूल मध्य विद्यालय खिरौली, हम तालाबंदी किए हैं इस चीज़ को, तो हम मेरी मांग है कि उनको गिरफ्तारी हो, इसलिए कि हम अभिभावक हैं, गार्जियन हैं और गुरुजी को अपने बच्चों को पढ़ने के लिए विदा करते हैं, ना कि शोषण करने के लिए विदा करते हैं। अच्छा, अभी विद्यालय के किसी शिक्षक या प्रधानाध्यापक से आपकी बात हुई है? अभी विद्यालय के प्रधानाध्यापक से बात हुआ तो बोल रहे हैं कि हम कुछ नहीं जानते हैं क्या होता है, रोज अपना गेट दरवाजा बंद करके गेट सटा कर तो क्या करते हैं हमको पता नहीं है। तो हम ये जानते हैं कि अभी जो यहाँ के हेडमास्टर हैं उनसे उनका यही दायित्व बनता है, वो गार्जियन है यहाँ का, कौन मास्टर क्या करते हैं, पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते हैं, ये तो उनकी जिम्मेवारी ना है, ये तो मेरी जिम्मेवारी नहीं ना है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए विदा करते हैं और बच्चों से क्या क्या करवाया जाता है, तो इसमें तो सभी संलिप्त हैं, इसमें तो हेडमास्टर का हेडमास्टर भी बर्खास्त होना चाहिए, अभी अभी उनका गिरफ्तारी होना चाहिए, मेरी मांग ये है। अभी आप लोगों की क्या मांग है? उनका गिरफ्तारी होना चाहिए, बड़ा मांग ये है। उच्च अधिकारियों को आपने सूचना दिया है? सूचना अभी हम लोग नहीं दिए हैं, बैठे हुए हैं उनसे हेडमास्टर से बोले हैं बीओ साहब को फोन करने के लिए, अभी तक बीओ साहब हम लोग सात बजे से आए हुए हैं, अभी तक कोई बीओ साहब नहीं आए न कोई अधिकारी उच्च अधिकारी आए यहाँ पे। क्या नाम है आपका? मेरा अशोक कुमार राय नाम हुआ। के मास्टर साहब कौना पीरियड में? कौना पीरियड में? पहला क्लास में कौना घंटी में? अच्छा, तो हम लोग जाके घरे कहल लोग केकरा से कहल लोग? भैया। अच्छा, तो फिर का भैया अलन लो बतन लो का नाम बता बाबू का नाम हटे तहार कल्लू कुमार तहार हो अच्छा लेकिन मारे लगातार लाते मारते काहे मारता लड़की नचिया से तो लड़का तक जैसे तुम्हार बामी के हाथ लगा ले बन जाए ढिकल ले बन जाए पब्लिक आई छुट्टी हल तेरा के लिए कल थानो आई रहा थाना आई ओकरा बाद अभी रोड़ा सब स्कूल पे आई बनी जा का मांग करते नहीं जा ऐसे करते बदली करी जैसे
गिरफ्तारी हमके चाहत हैं जमकर एकरा पहिले ऐसा कुल घटना भइल बा एक बार और भइल तू कर भइल उनके साथ एक चीज मास्टर करे ना उनके जो उनके जो रे भइल बा दूसरे मास्टर करे ने के सौ पांच साल नहीं बेर बेर वही मास्टर होता हम से ही बताई रहो का नाम हटे रहो ये बाकी बचल और नाती हमर पहले हां आ ओकरा के लंगे करा के अनशन नचा रहल बा अभी रौरा सब स्कूल पे आयल बनी जा रौरा सब के का मांग बटे मांग गिरफ्तारी होके चाहिए कोनो अधिकारी अभी तक आयल बड़ा नहीं जेबा कोनो अफसर आइल हन लो कोई नहीं का नाम हटे रहो